दिल्ली जिला अदालत के लिए चल रही ग्रुप डी की ऑनलाइन परीक्षा का पेपर हल करने के लिए काकरौंद गांव के पास बने मुर्गी फार्म को हाईटेक बनाया गया था। सूचना के आधार पर रविवार सुबह करीब 10:30 बजे उचाना थाना पुलिस CIA ने छापा मारा तो आरोपी खेतों के रास्ते भाग निकले। हालांकि पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और इस दौरान पुलिस को मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई आदि के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस तरह की कामयाबी मिली है, किसकी सूचना दी रही है? देखिए, आज SHO उचाना को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि काकड़ोद गांव के पास मुर्गी फार्म के पास एक घर बना हुआ है, जिसमें कुछ लोग दिल्ली जो जिला सत्र न्यायालय की परीक्षा थी ग्रुप डी की, उसके पेपर लीक करवाने का काम कर रहे हैं। तो सूचना मिलते ही तुरंत SHO ने FIR दर्ज करने के बाद वहाँ पे CIA की मदद से रेड की, और वहाँ से रेड जब की गई पुलिस के द्वारा तो कुछ आरोपी वहाँ से सूचना मिलने पर फरार हो गए और 3 आरोपियों को पुलिस ने वहाँ से राउंड अप कर लिया। इसके अलावा वहाँ से कुछ मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं और पेपर को लीक करने से संबंधित कुछ आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद किए हैं। सर, प्रथम पूछताछ में किस तरीके से ये पेपर लीक करते थे जो पकड़े गए? देखिए, FIR दर्ज कर ली गई है, 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और उनसे अभी डिटेल में पूछताछ की जा रही है। उनका क्या मोडस ऑपरेंडी था और उनके साथ और कौन लोग वहाँ पे शामिल थे, वो सारी बातें दौरान इन्वेस्टिगेशन क्लियर की जाएंगी। सर, पहले भी किस पेपर में शामिल रहे हैं? देखिए, जांच का विषय है और जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सारी बातें क्लियर की जाएंगी कि आज से पहले भी इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है या नहीं, और इस पेपर से संबंधित भी सबूत जुटाए जाएंगे। जो 3 पकड़े हैं सर, वो कौन से सरकार, कोई बता रहा है कि सरकारी जॉब में भी है? देखिए, उनसे भी पूछताछ जारी है, उनमें से एक काकड़ोद का और 2 दिनौदा गांव के रहने वाले। सरकारी जॉब पर पकड़े, उसके बारे में भी अभी कंफर्मेशन की जाएगी। काकड़ोद से कौन है सर ये? अशोक, उनके नाम अभी आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। अभी उनके जो गांव के नाम है वो मैंने आपको बता दिए। सर, दिल्ली पुलिस ने रेड मारी थी पहले? नहीं, ये SHO उचाना से ही हमारी जो आज की SHO उचाना को जो मुखबरी प्राप्त हुई थी उसके बाद ये सारी कार्रवाई अमल में लाई गई। सर, सुनने में ये भी आया कि जब पेपर स्टार्ट हुआ था तो दिल्ली पुलिस को भी टाइम पता चला था पेपर हैंग हो चुका है, तो क्या दिल्ली पुलिस ने फोन किया था यहाँ पर? देखिए, हमारे पास दिल्ली पुलिस के तरफ से कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, वहाँ पे कोई जानकारी प्राप्त हुई है तो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सर, कितने लोग थे टोटली इस तरीके से रेड लगाए थे जो वहाँ? अभी जो हमें प्रारंभिक तौर पे पता चला है तो वहाँ पे इनके साथ 4-5 लोग और थे जो वहाँ से फरार हो गए और 3 लोगों को मौके से राउंड अप कर लिया गया। सर, गाड़ियाँ भी, कुछ व्हीकल्स भी वहाँ से, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल भी बरामद की। कंप्यूटर वगैरह क्या बरामद हुआ है? कुछ मोबाइल फोन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो परीक्षा में नकल करवाने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। तो सर, अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि पेपर सोल्व कर ऑनलाइन करवा रहे थे, कैसे करवा रहे? देखिए, अभी बहुत ही प्रारंभिक जांच है, अभी हमने उनको राउंड अप किया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन और डिटेल इंटेरोगेशन भी की जाएगी और जो भी बातें इंटेरोगेशन में हम पुलिस रिमांड भी लेंगे, उसके दौरान जो भी बात हमें पता चलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, पेपर मॉर्निंग शिफ्ट रहे थे, इवनिंग शिफ्ट का? पेपर की 2 शिफ्ट बताई जा रही हैं, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का पेपर था। ये सारी बातें अभी क्लियर की जाएंगी, इसके ऊपर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी है।